सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आ गया हूँ अभी नया वीडियो लेकर, और हाँ, आरवी लाइफ का पार्ट टू मैंने लाया हूँ गाइस। और चलो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर योर डिमांडिंग की वजह से है, तो थैंक यू गाइस। एंड चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा आरवी लाइफ का ये पार्ट टू। तो हमने गाइस देखा था, जब सुमेरे और जब बाकी जो भी कैरेक्टर रहते हैं वो सब भागने लगते हैं, अब क्या होता है कि मित्सो, हाँ गाइस, आपको लगता होगा कि ये सब कैसे गाइस एक नॉर्मल इंसान से मतलब एक मॉन्स्टर तक कैसे बन जा रहे हैं बहुत लोग, तो गाइस वो आपको आगे पता चलेगा। तो गाइस उसके बाद जो हमारा मित्सो रहता है, वो जब सारे कैरेक्टर भागते हैं तो सुमेरे गिर जाती है, तो मित्सो बोलता है कि सभी को तुम लोग जाओ और मैं आऊँगा, मैं सुमेरे को लेकर आऊँगा। अब क्या होता है कि सुमेरे को वो लेने ही जाता है गाइस, हाँ गाइस, हाँ वो, लेकिन गाइस उसके ठीक सुमेरे के ठीक पीछे मतलब गाइस 800 लोग थे पूरे स्कूल में, और 400 लोग तो करीबन मॉन्स्टर बन गए थे, अब 500 के संख्या पे आ चुका था। तो गाइस क्योंकि गाइस उनके हाथ में जो भी मॉन्स्टर बन जा रहे हैं, उनके हाथ में अपने आप चाकू आ जा रहा है, तो वो चाकू से मार रहे हैं अगर वो, तो गाइस अब क्या होता है कि मित्सो सुमेरे को बचाने के लिए एकदम मतलब गाइस कूद जाता है, हाँ गाइस, तो वो कूद जाता है, वो सुमेरे को एक बचा लेता है गाइस, लेकिन हाँ वो बचा लेता है बट गलती से थोड़ा सा सुमेरे को चाकू हाथ पे लग जाता है। तो गाइस मित्सो से सुमेरे, मित्सो बता सुमेरे तुम ठीक तो हो ना, सुमेरे तुम ठीक तो हो ना सुमेरे, तभी मित्सो गाइस सुमेरे को अपने गोदी में उठाकर बाहों में लेकर वो चला जाता है क्लासरूम के अंदर, जो बाकी बच्चे लोग थे, तो वो लोग अभी क्लासरूम से अलग 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 क्लासरूम में बाकी लोग जा रहे हैं। तभी वो टीचर रहती हैं, वो बोलती कि तुम लोग ठीक तो हो ना, तुम इतना देर क्यों हुआ, तभी वो बोलता है कि मैं सुमेरे को लेने गया था, मित्सो बोलता है। तभी आए बोलता है कि, अब गाइस आपको पता है कि इस सीरीज़ में आए और आई चैंग दो एक नए कैरेक्टर है, आए एक लड़का है और आई चैंग एक लड़की है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इतना चीज़ है अभी। तो आए बोलता है कि गाइस, आए बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और तभी आए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बताऊँ एक चीज़, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया। तभी वो बोलता है कि मतलब मित्सो बोलता है क्या नोटिस किया, आए बोलता है कि मैंने अभी नोटिस किया कि जब हम भाग रहे थे ना, एक मॉन्स्टर ने एक नॉर्मल बच्चे को चाकू मारा, अब वो जो नॉर्मल बच्चा भी मॉन्स्टर बन गया, इसका मतलब जो भी उसे चाकू लगता है ना तो वो भी वैसा बन जाता है। तभी सुमेरे मतलब मित्सो सुमेरे को देखता है उसके हाथ में, क्योंकि गाइस सुमेरे के मतलब हाथ में भी चाकू लगा था, जित थोड़ा सा लगा था बट लगा था उसे। तो गाइस अब क्या होता है कि मिच्ची को नोटिस करती है, सुमेरे तुम्हारे हाथ में खून क्यों बह रहा है, तभी मित्सो बोलता है कि तुम लोग समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ चाकू, तभी वो टीचर बोलती है ये तो चाकू का निशान है, तभी मित्सो बोलता है हाँ बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तभी सुमेरे बोलती है कि मित्सो मुझे मार दो, मित्सो बोलता है नहीं मैं नहीं मारूंगा, तभी मित्सो बोलता है अभी तुम लोग चिल मारो, क्योंकि मित्सो तभी और बोलता है कि सुमेरे अगर चाकू लगता तो वो तब भी मॉन्स्टर बन सकती थी उसी वक्त। हाँ गाइस एक चीज़ बता दो, मॉन्स्टर बनने के बाद शक्ल कुछ नहीं बदलता है, अंदर से बस भूल जाते हैं सबको, तो ऐसा था, बट गाइस ऐसा सुमेरे को कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी सुमेरे को नहीं लग रहा था। तो मित्सो बोलता है कि वही सुमेरे को अगर उस समय पहली चाकू लगता ना तो उसी समय बन जाती, लेकिन अभी तक सुमेरे ठीक है, इसका मतलब सुमेरे को कुछ नहीं हुआ है। तभी सुमेरे बोलती है कि मित्सो तो भी अगर क्या पता मैं बाद में बन जाऊँ, तभी मित्सो बोलता है कि सुमेरे तुम चुप रहो अभी, तुम ऐसा कुछ भी बात मत बोलो। तभी गाइस मिच्ची को बोलती है कि, आए बोलता है कि लेकिन मित्सो तुम समझो बात को, सोचो अगर हम रात तक इधर ही स्कूल में रहे, अगर रात को हम सोए यहीं पर, तो पता क्या होगा गलती से रात को सुमेरे मॉन्स्टर बन जाती है तो वो हम सबको नहीं मार देगी। तभी मित्सो बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग को बस गलत फहमी हो रहा है और कुछ नहीं। तभी गाइस आए एक चेयर उठाता है, सुमेरे पे हमला करने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं अपनी जान की रिस्क नहीं ले सकता। तभी गाइस मित्सो आ जाता है आगे, उस अपने मित्सो को वो चेयर लग जाता है। तभी मित्सो बोलता है कि आए तुम ज़्यादा मत करो वरना मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर सुमेरे को कुछ भी तुम लोग ने मारने की कोशिश की तो। तभी गाइस सुमेरे विंडो से मतलब एक तरीके से विंडो के पास जाती है, मित्सो बोलता है तुम मत जाओ विंडो के पास, गलती से तुम गिर गई तो, मित्सो सुमेरे बोलती है कि बट मैं क्या करूँ, मैं तुम लोग को नहीं मारना चाहती, मित्सो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा सुमेरे, तुम बस मेरा यकीन करो ना। तभी गाइस सुमेरे बोलती है कि हाँ मैं कैसे करूँ यकीन, मैं यकीन तुम पे करती हूँ बट मैं मुझे मुझे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मित्सो। तभी मित्सो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो ना तो ठीक रहो, अभी कुछ नहीं होगा। अब मित्सो गाइस सभी आए को बहुत रोकता है,
मित्सो और सबको रोकता है, और तभी आई चैंग कहती है कि मुझे सुमेरे पे विश्वास है कि सुमेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर होता होना रहता तो पहले ही सुमेरे बन जाती, बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सब ठीक है। तभी वही मित्सो बोलता यही तो बात है। तभी गाइज मित्सो बोलता है ठीक है, मैं तुम लोग का डर हटाने के लिए एक चीज़ कर रहा हूँ। तो मित्सो क्या करता है कि एक रस्सी लेता है, अपना हाथ और सुमेरे का हाथ बांध देता है एक दूसरे से। तो मित्सो बोलता है कि अब ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर सुमेरे मॉन्स्टर बनेगी ना तो मुझ पे हमला करेगी, तुम लोग पे नहीं, तो घबराओ मत। तभी आई चैंग कहती है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्सो, हमें यकीन हो चुका है। तभी मित्सो बोलता है कि नहीं, ऐसे भी मैं सुमेरे से प्यार करता हूँ और मुझे ये चाहिए। तभी सुमेरे बोलते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं नहीं चाहती कि मैं अगर मैं कभी भी मॉन्स्टर बन जाई तो मैं तुम्हें मार दूँ। तभी मित्सो बोलता तुम मॉन्स्टर बनोगी नहीं ना, तुम ऐसा मत बोलो यार। तभी सुमेरे सुमेरे बोलती है कि मित्सो और सुमेरे एक दूसरे की आँखों में देखने लगते हैं, और मित्सो बोलते हैं अब सुमेरे अब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहने दो। एंड मित्सो और सुमेरे, और तभी गाइज अब मित्सो और सुमेरे थोड़ा सा दूसरे साइड बैठते हैं, और वो बाकी कैरेक्टर सब दूसरे साइड बैठते हैं। तो होता क्या है कि अब सब दूसरे दूसरे साइड बैठे थे, तो मित्सो और सुमेरे अलग से एक जगह बैठे थे, और तभी मित्सो सुमेरे बात कर रहे रहते कि सुमेरे मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ, याद है ना आज अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग रेस्टोरेंट जाते, तो मैं रेस्टोरेंट पे तुम्हें आज कुछ बताने वाला था, कि मैं ये बताने वाला था कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी सुमेरे बोलती है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो। मित्सो बोलते हैं हाँ, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देता हूँ, मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं कुछ तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझसे अगर ये सब ठीक हो जाता है तो हम शादी कर लेंगे। सुमेरे बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगी। तभी गाइज कुछ देर बीत जाता है, तो तभी आई को और आई चैंग को एक आइडिया आता है स्कूल से एस्केप करने का। तभी गाइज अब क्या होता है कि सब उसमें हेल्प करते हैं, कैसे कुछ सामान चाहिए होता है उसी रूम में, सब मतलब उसी क्लासरूम में सब ढूंढते हैं सामान, उसी क्लासरूम में गाइज सब सामान ढूंढते हैं। तो मित्सो टीचर बोलती है कि अब तुम दोनों अपना हाथ खोल लो। तभी मित्सो बोलते हैं नहीं नहीं हम मुझे सुमेरे के हाथ ही में रहने दो। तभी टीचर बोलती है देखो मित्सो तुम बात को समझो। टीचर बोलती है गाइस देखो मित्सो तुम बात को समझो, अगर सुमेरे ने हाथ नहीं खोला तो वो तुम्हारे पास तो रहेगी, बट बाकी लोग थोड़ा बहुत आज भी सुमेरे से भी डर रहे, क्या पता, तो उनका डर हटाने के लिए सुमेरे अभी उसका हाथ खुल जाएगा तो वो जाएगी, और सुमेरे थोड़ा उन लोग का हेल्प करेगी तो उन लोग से लगेगा कि उनका डर भाग जाएगा। तभी मित्सो बोलता है कि ठीक है, तो मित्सो सुमेरे का हाथ दोनों खोल देते हैं। एंड तभी सुमेरे मित्सो चला जाता आई के पास कुछ बात करने कि इस क्लासरूम से कैसे निकले। तो अब क्या होता है कि तभी जो सुमेरे रहती है वो एक कैमरा देखती है, कैमरा नहीं देखती है सुमेरे जो रहती है ना वो गाइस एक तरीके से एक मोबाइल देखती है, अपना नहीं गाइस, ऐसे एक मोबाइल पड़ा रहता है उस क्लासरूम में, तो वो देखती है। और एक बार लेकिन हाँ गाइस नेट नहीं था वहाँ पे, मतलब गाइस कनेक्शन नहीं आ रहा था, जैसे मोबाइल ऑन तो हो रहा था बट एक ही चीज़ ऑन हो सकता है, कैमरा, मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग हो सकता है। तो सुमेरे अपना कैमरा रिकॉर्डिंग करती है कि बोलती है कि उसमें गाइस अपना मित्सो वाला जवाब देने वाली है, बोलती है कि मित्सो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना गाइस वो एक तरीके से एक रिकॉर्ड कर लेती है। तो वो अब उसके बाद गाइस रिकॉर्ड करने के बाद सेव करने के बाद उसे वो मोबाइल बंद करके मित्सो के पास आती है। तभी सुमेरे बोलती है कि ये लो मित्सो और ये तुम बाद में देखना। मित्सो बोलता है इस रिकॉर्ड इसमें क्या है। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम प्लीज़ उसे बाद में देखना। मित्सो बोलता है ठीक है मैं बाद में देखूँगा। तो मित्सो इस मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेता है। तो उसके बाद होता क्या है कि मित्सो हाँ गाइस उसके बाद होता क्या है कि सारे लोग एक प्लान बनाते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है हमें, और कुछ नहीं, हमें स्कूल से थोड़ा सा भागना पड़ेगा छुप छुप के। तो सब धीरे धीरे छुप छुप के भागने के लिए आ जाते हैं। तो जब धीरे धीरे सब छुप छुप के भागने के लिए आ जाते हैं तो सारे लोग तो अब क्या होता है कि सब लोग भाग रहे छुप छुप के। तो गाइस और हाँ गाइस जो अभी अब पूरा मतलब गाइस 700-800 में बच्चे पूरे स्कूल में 800 बच्चे थे, 700 लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं, 100 लोग भी आज बचे हैं। तो उसमें से तो हमारे कुछ कैरेक्टर हैं मित्सो के, जैसे कि मित्सो आई चैंग वो और मित्सो मेरे टीचर कबाओ साबू और मिची को, तो ये लोग अभी बचे हुए हैं गाइस। तो मित्सो अब क्या होता है कि
गाइस जब लोग भाग रहे थे तो एक तरीके से उनको गेट के बाहर जाना था, स्कूल का जहाँ पे गेट था जैसे स्कूल के गेट के बाहर जाना था। क्योंकि गाइस एक सबसे कमाल की बात बताऊँ ना, कमाल की भी नहीं मत एक तरीके से, ये तो बुरी भी बात हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ बताए स्कूल के अंदर ही है। अगर स्कूल के बाहर तक ये बात फैली ही नहीं है ना, न्यूज़ में नहीं आ रहा है कि स्कूल में ये सब हो रहा है, अगर आ जाता तो शायद पुलिस लोग आ जाते बचाने के लिए, लेकिन किसी को लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है स्कूल में। बट स्कूल के क्योंकि गेट के बाहर एकदम सब एकदम ऐसा लग रहा है कि गेट के बाहर कुछ अलग ही है, मतलब सब सही चल रहा है, लेकिन ठीक स्कूल के गेट के अंदर ऐसा हाल चल रहा है। तो गाइज़ ये है। तो गाइज अब उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब अब क्या होता है कि एक अलग सा माहौल था, तो बहुत ही मतलब मैं चाहता हूँ कि सभी निकल जाए स्कूल से, सब बच जाएंगे, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते होंगे गाइज। लेकिन अब क्या होता है कि गाइज जब सब भागने के लिए तैयार हो जाते, गेट उनके ठीक सामने नहीं था, मैं थोड़ा सा दूरी में था, तो सब भाग जाते, तो गलती से कबाओ मतलब नहीं साबू नीचे गिर जाता है, तो सारे और जो भी भाग रहे थे गाइज बाकी जो भी कैरेक्टर भाग रहे थे, तो वो लोग पीछे नहीं देखते कि साबू नीचे गिर चुका है, तो क्योंकि वो लोग आगे देख रहे थे, लेकिन कबाओ साबू के साथ ही रहता है, कबाओ साबू का हाथी पकड़ के भाग रहा था, तो क्योंकि दोस्त था ना गाइस, तो इसी वजह से बोलता है कि कबाओ आता है साबू को उठाने के लिए और बोलता है कि चलो। तभी गाइस क्या होता है कि पीछे से गाइस सारे मॉन्स्टर लोग भाग के आ रहे हैं। अब क्या होता है कि कबाओ साबू को उठाता है और दूर फेंक देता है, और वो भी गाइस वो वहीं पे रह जाता है, तो साबू बोलता है चल ना कबाओ। तभी कबाओ बोलता है नहीं साबू तू जा और उन लोग का हेल्प कर, मैं उन लोग को रोकूंगा मॉन्स्टर लोगों को। तभी गाइस साबू बोलता है ऐसा मत कर, तेरी जान की खतरा हो सकता है। तभी कबाओ बोलता है अब नहीं साबू जाओ साबू, और एक चीज़ बता दूँ साबू तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और हाँ मेरे पापा की नकली दांत तेरे ही घर में है। तभी साबू बोलता है क्या गाइज, अगर जिसको याद नहीं है ये अभी कबाओ क्या बोला, या अगर आप परमैन का रियल सीरीज़ में देखोगे तो ऑलवेज गाइज कबाओ अपने पापा की नकली दांत की बात करता रहता है, तो यही चीज़ है गाइज एक। तो साबू बोलता है क्या तू इस मोमेंट पे भी ये सब बातें कैसे कर रहा है। तभी गाइज अब क्या होता है कि और एक और चीज़ कबाओ बताता है कि एक और चीज़ तू मिचिको को बोल देना कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और तभी साबू बोलता है तू भी चलना तू ही बोल देना। तभी गाइस क्या होता है कि कबाओ भाग जाता है पीछे और उस सारे मॉन्स्टर लोगों को रोकने के लिए, लेकिन हाँ वो रोकता बहुत अच्छे से, बट उसे भी चाकू लग जाता है, एंड साबू ये सब देख रहा रहता है, और साबू के पास और कोई चांस नहीं था वहाँ से जाने का, और साबू आगे बढ़ जाता है, वो रो रहा रहता है। तभी गाइस गेट तक आ चुका था। अब गाइस सबसे बुरी बात थी कि गेट ही बंद था, गेट तोड़ना पड़ेगा, और आगे सब आप पीछे से सब सारे मॉन्स्टर भाग के आ रहे हैं। तो गाइस तो अब क्या करें तभी। और गाइस अभी तक आपको लगता है कि सुमेरे अभी तक मॉन्स्टर क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि उसे भी लगा था चाकू, बट गाइस इसका रीज़न आपको बताऊँगा मैं, बस देखते रहना अब ये स्टोरी। तो अभी तक क्या हो रहा है सुमेरे को क्या हो रहा है। तभी गाइस मित्सो बता कबाओ किधर है। तभी साबू बताता है कबाओ के साथ ये सब हुआ, एंड तभी वही उसी समय बताता भी है कि ये मतलब ये सब हुआ कबाओ के साथ। तो मिचिको को भी बताता है कि साबू मिचिको को बताता है कि तुमसे कबाओ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तक वो तुम्हें बता नहीं पाया। एंड मिचिको बोलती है क्या वो मुझसे प्यार करता था कबाओ। एंड तभी गाइस आप पीछे से देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर लोग आ रहे हैं एंड गेट बंद है। अब क्या होगा गाइस, तो आगे का वो पार्टी पता चलेगा। तो गाइस अगले अभी जाना मत, क्योंकि आपको कुछ बताऊंगा, क्योंकि आगे का पार्ट में ही आपको ये गाइस ये बताना था कि अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, तो सोच लो कितना का मतलब लास्ट पार्ट इसकी एंडिंग होगी इस स्टोरी की। तो गाइस बहुत ही कमाल का होने वाला है ये अगला पार्ट, क्योंकि लास्ट पार्ट रहेगा और बहुत ही, और कबाओ के लिए बहुत गाइस बहुत सैड हुआ। कबाओ ने अपनी दोस्ती को बचा लिया मतलब साबू को, एंड अब क्या होता है कि एंड गाइस बहुत ज़्यादा अलग ही मोमेंट था ये वाला स्टोरी में। तो गाइस पूरा सपोर्ट देना इस पार्ट में, मैं कोई एम लाइक नहीं करूँगा, बट आप जितना देना मैं खुश रहूँगा। एंड अस्सलाम वालेकुम।